ये हमारे पूरे सैन फ्रांसिस स्कूल में है केवल नहीं, लेकिन अन्य दूसरे स्कूल में भी यह टीचर्स डे मनाया जा रहा है और यह टीचर्स डे केवल हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल में सारे शिक्षक इकट्ठे हैं, बच्चे बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छे से शिक्षक प्रोग्राम चल रहा है। बच्चे हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपना स्कूल, देखिए, संत फ्रांसिस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बासेन, ठीक है। तो आज है 5 सितंबर और आज दोस्तों शिक्षक दिवस है, तो मैं शिक्षक दिवस मनाने के लिए अपने स्कूल आया हुआ हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होगा, कैसे कैसे क्या टीचर्स डे मनाते हैं। दोस्तों, शायद आप लोग भी स्कूल गए हैं और स्कूल में टीचर्स डे मनाए होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग टीचर्स डे मनाए होंगे। तो वही पल को आज मैं फिर से दोस्तों ब्लॉग के माध्यम से आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि अपने बासेन स्कूल में किस तरह से टीचर्स डे मना रहे हैं, शिक्षक दिवस कैसा मनाते हैं। तो आप लोग जिन्हें शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे सेट कर दीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों कौन कौन पढ़ाई करके गया इस स्कूल से, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग बताइएगा कि टीचर्स डे का कौन सा ऐसा मोमेंट आप लोगों को याद आएगा, प्लीज़ आप लोग बताइएगा। तो चलिए आज के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो है दोस्तों जितने भी टीचर लोग हैं सबको बिठाएंगे, चर्च जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे प्रोग्राम होगा, तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अपने स्कूल के प्रांगण में हम आ चुके हैं और यहाँ से जितने भी अपने टीचरगण हैं सबको चर्च के ले जा रहे हैं, वहाँ पे चर्च होगा और वहाँ से परघाते हुए लाएंगे, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं टीचरों को परघाते हुए चर्च लेके जाएंगे, उसके बाद वहाँ से फिर लेकर के आएंगे। ईश्वर की जानकारी हमारे गुरुओं से ही होता है।
जितने भी टीचर हैं दोस्तों सबको पिरघा करके अब अंदर ला चुके हैं स्कूल का प्रांगण में। तो अभी उनको नाश्ता पानी कराएंगे, उसके बाद कुछ कुछ प्रोग्राम होगा। तो प्रोग्राम दोस्तों हॉल में होगा, तो कुछ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरे दोस्तों सेकंड चैनल में अपलोड होगा, तो विपिन लकड़ा ऑफिशियल में आप लोग देखिएगा कि वासिन स्कूल में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी कंटिन्यू करते हैं कि अभी आगे आगे क्या क्या प्रोग्राम होगा, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी टीचरों को थोड़ा सा सताने देते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला क्या कार्यक्रम है। तो मिला नाश्ता चटनी सर, कहाँ मिला? केला समोसा मिठाई। हाँ ठीक है। चलना हमारे माता पिताओं ने सिखाया, हमें अच्छा संस्कार दिया और हमको इस तरह से धीरे धीरे क्या कहेंगे सिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा ठोक पीट कर हमको सीधा किया। ये हमारी पारिवारिक जीवन होता है और जब हम कुछ बड़े हो जाने के बाद परिवार से जब बाहर निकलते हैं और हम स्कूल में हमारी दाखिला होती है तो हमारा हमारे ऊपर अधिकार होता है। मन भटकता होगा, पढ़ने के लिए मन नहीं लगता होगा और उसी की तलाश करते हमारा शिक्षक और आप सबों को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। आज हम सभी शिक्षकों का आदर सम्मान कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, आज केवल नहीं, आप अपना जीवन भर शिक्षकों का आदर और सम्मान कीजिए, क्योंकि जब शिक्षक गुरु आप और ईश्वर आपके सामने में खड़े हैं तो कहा जाता है सबसे पहले हम गुरु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ही ईश्वर का रास्ता दिखाता है। रुकिए 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 बोलेंगे हैप्पी टीचर्स डे एंड थैंक यू टीचर्स। बोलिए जोर से और आज का प्रोग्राम हम यही समाप्त करते हैं। और विद्यार्थी के द्वारा मेरे को कहा गया है कि टीचरों के लिए प्रतिभोज लंच का व्यवस्था किया गया है। जितना भी प्रोग्राम था सब अच्छी तरीके से हुआ। आज टीचर्स डे अपने संत फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल में कैसा हुआ सब कुछ आप लोगों को दिखाया। और अभी प्रोग्राम ख़त्म ही हो गया है, अभी आखिरी प्रोग्राम है कि जितने भी टीचर हैं उनको खाना पीना खिलाना है, उसके बाद आज का टीचर्स डे ख़त्म होगा दोस्तों। तो देखिए मैं अपने स्कूल के प्रांगण में हूँ, यहाँ पे स्टेज पीछे है और
विद्यार्थी लोग अभी उधर उधर हो रहे हैं, अभी टीचरों को खाना पीना खिलाएंगे, अगर हो सके तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी जो है ना चलते हैं, थोड़ा सा अपने टीचरों को विश करते हैं। तो चलिए मैं मिलवाता हूँ अपने कल्याण सर से। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे सर। और हमारे क्लास टीचर थे, हमें पढ़ाए हैं, तो इन्हीं के मार्गदर्शन में दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, तो हैप्पी टीचर्स डे आप लोगों को। सर हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे सर। हैप्पी टीचर्स डे। तभी सर, अरे सर हैप्पी टीचर्स डे। सर लोग बिजी हैं अभी, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा मुँह मीठा कुछ कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, उनके बाद विदा करेंगे। अभी सबके सर लोग बिजी हैं। अब हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे मैम। हैप्पी टीचर्स डे मैम। बताइए आप लोगों का आज आप लोगों का दिन है, तो आप लोग कैसा लग रहा है? आप लोगों का टीचर्स डे है, आज स्पेशल दिन है आप लोगों का, कैसा लग रहा है? कुछ बोलिए कैसा लग रहा है मैम, बताइए। कि क्या मैं इस टीचर्स डे को मनाने के काबिल हूँ या नहीं। मैं अपने कर्तव्य को निभा रही हूँ या नहीं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। जब भी टीचर्स डे आता है तो मैं यही सोचती हूँ, क्या मैं अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा रही हूँ, क्या मैं एक गुरु होने के लायक हूँ या नहीं। ये मेरे लिए मायने देखिए दोस्तों, हमारे स्कूल के जितने भी टीचर हैं, जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, उनको नाश्ता खिला रहे हैं। देखिए इधर सर और इधर शांति सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। आज आप लोगों का इतना बड़ा त्यौहार है, टीचर्स डे है, कैसे लग रहा है बताइए? हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज के दिन में ये हमारे पूरे सेंट फ्रांसिस स्कूल में केवल नहीं लेकिन अन्य दूसरे स्कूल में भी यह टीचर्स डे मनाया जा रहा है। और यह टीचर्स डे केवल हमारे स्कूल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूरे हमारे भारत देश के लिए और साथ में जितने भी हमारे स्कूल से जो भी संस्थाएं अन्य जुड़े हैं सभी किसी के लिए, यानी आज का खास दिन है। और इसको हम अध्यक्ष अध्यय के महत्व देकर आज हम सभी स्टूडेंट्स के साथ यह शिक्षक दिवस मना रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर। सर हैप्पी टीचर्स डे। सर हैप्पी टीचर्स डे। हाँ सर हैप्पी टीचर्स डे। कुछ कुछ बोलिए, आज आप लोगों का टीचर्स डे है। बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल में सारे शिक्षक इकट्ठे हैं, बच्चे बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छे से शिक्षक प्रोग्राम चल रहा है। बच्चे मारे खुशी के झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, सारे टीचर भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी नाश्ता और खाने की व्यवस्था चल रही है। हाँ सर, और बहुत खुश हैं सर। बहुत बहुत थैंक यू। सर आपको कैसा लग रहा है, आज आप लोगों का त्यौहार है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने से बड़ों को, अपने गुरुजन को और अति सम्मानीय सभी नागरिकों को मैं शिक्षक दिवस की ढेर सारा शुभकामनाएं देना चाहूँगा। थैंक यू सर। और जितने भी स्टूडेंट हैं सबको नाश्ता करा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से सर। ये सभी के लिए व्यवस्था है, टीचर्स के लिए भी और सभी स्टूडेंट के लिए भी व्यवस्था किया गया है। यहाँ सभी को उत्साह में शामिल है। हाँ ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ब्रेड छोला खिला रहे हैं हमारे शिक्षकगण। सब इधर ही बैठ के खा रहे हैं। देखिए हमारे स्कूल का प्रांगण। टीचरों को भी अच्छे से खाना पीना खिला लिए, हम लोग भी खा लिए साथ में, टीचर लोगों के साथ बैठ करके मैं भी अच्छा से खाना खा लिया दोस्तों। तो जितने भी टीचर हैं अब अपने अपना घर जा रहे हैं और विद्यार्थी लोग भी चले गए। तो आज आप लोगों को दिखाना था टीचर्स डे, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा, मज़ा आया, और आप लोगों को कौन कौन सा मोमेंट याद आया दोस्तों, आप लोग टीचर्स डे में कैसे कैसे प्रोग्राम देते थे, क्या करते थे। तो ठीक है, आज का जो ब्लॉग है यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर स्कूल के प्रांगण में, यहीं पर बाहर में दोस्तों। तो हम लोग ऐसा ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहिएगा, और
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएगा दोस्तों। तो अपना ख्याल रहेगा, तब तक के लिए बाय बाय।